हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनबॉक्स इट। आई एम देवेश और जैसा आप देख सकते हैं मेरे पास इस सैमसंग का एक स्क्रीन प्रोटेक्टर है। अभी गैलेक्सी S23 अल्ट्रा का है, तो मैंने थोड़े टाइम पहले S23 अल्ट्रा परचेज़ किया था, तो उसकी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने उसकी अनबॉक्सिंग की है, बड़ा बढ़िया फ़ोन है। आईफोन के शौकीन है तो आईफोन 14 प्रो मैक्स भी अनबॉक्स किया है, उसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसकी। अब यह स्क्रीन प्रोटेक्टर गैलेक्सी S23 अल्ट्रा का, अब ये नॉर्मल स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं है, ये सैमसंग की ही वेबसाइट से मंगवाया गया है। अब ये जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है ये नियर अबाउट आपको 1600 रुपये का पड़ता है और सैमसंग इस पर कोई डिस्काउंट भी नहीं देता है। तो इसको फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। सो लेट्स अनबॉक्स इट। तो पहले बॉक्स का ओवरव्यू लेते हैं। फ्रंट में हमें S23 अल्ट्रा की फोटो देखने को मिलती है, साथ में स्क्रीन प्रोटेक्टर देखने को मिल रहा है। स्क्रीन प्रोटेक्टर और S23 अल्ट्रा की ब्रांडिंग और नीचे सैमसंग की ब्रांडिंग। लेफ्ट साइड पे खाली स्क्रीन प्रोटेक्टर लिखा है, राइट साइड पे भी वही है। टॉप और बॉटम पे कुछ नहीं है। बैक की बात करें तो बैक में हमें इसमें इनबॉक्स कंटेंट देखने को मिल रहा है। तो हमें 2 स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलते हैं। कितने जनरस है सैमसंग वाले की 2 दे रहे हैं, पर मैं आपको बताऊंगा ये 2 क्यों है। डस्ट रिमूवल स्टिकर्स है, माइक्रोफाइबर क्लॉथ है और 2-3 चीजें भी हम खोल के देखेंगे। वीडियो गाइड भी दे रहा है सैमसंग की इसको कैसे लगानी है उसके लिए, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है इसका प्राइस जो 1600 रुपये 1599, और ये इतने का ही मिलता है। सैमसंग की साइट पे कोई ऑफ नहीं है इसके ऊपर, पूरा 1600 रुपये का पड़ता है और 2 मिलते हैं। तो ये काफ़ी कॉस्टली है, बट मैं देखना चाहता था कि यार इतना कॉस्टली है तो क्या ही फ़र्क होगा। ब्रांड नेम के पैसे ले रहे हैं कि क्वालिटी भी है। तो एक हमें बहुत बड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है, और इसको अप्लाई कैसे करना है उसके लिए अलग अलग लैंग्वेज में, पता नहीं इतने पेजेस क्यों बर्बाद कर रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती है एक्चुअली। इसको खोलें तो इसमें हमारे 2 स्क्रीन प्रोटेक्टर देखने को मिल रहे हैं। इस बॉक्स को खोलें तो इसमें हमें एक फ़ोन होल्डर देखने को मिल रहा है, डस्ट रिमूवल स्टिकर्स देखने को मिल रहे हैं 2, एक अच्छा सा माइक्रोफाइबर क्लॉथ देखने को मिल रहा है। अब ये बहुत हाई क्वालिटी तो नहीं है, पर हाँ यार कपड़ा है साफ सा दिया हुआ, एटलीस्ट एप्पल वालों के कपड़ों से तो सस्ता ही है। और एक आपको एप्लीकेटर देखने को मिल रहा है जो आप अप्लाई करने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये भी ठीक ही है, कोई बहुत बड़ी क्वालिटी नहीं है, ऐसा कार्ड जैसा है, गत्ते का बनाया हुआ है इन्होंने। इससे अच्छा तो आप अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं बिठाने के लिए। अब इसको अप्लाई कर लेते हैं। ये है मेरा S23 अल्ट्रा। अब इसमें हम अप्लाई करके देखते हैं। अब अप्लाई करने के लिए मैं नीचे कपड़ा रख देता हूँ ताकि ये ज़्यादा हिले ना, और जो मेरा एग्जिस्टिंग मैंने इसमें लैमिनेशन लगाई थी वो मैं निकाल देता हूँ। तो मेरी एग्जिस्टिंग लैमिनेशन है। तो एप्लीकेशन के लिए पहले हमें ये यूज़ करना है, तो हमें ये यहाँ से इसमें जो अंदर चिपकाने वाला ऑप्शन है ये हटा के फ़ोन में लगा देना है। तो ऐसे फ़ोन में लग जाएगा। अब ये फर्मली फ़ोन में बैठ चुका है। अब एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, मुझे क्लॉथ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये लगाने के बाद मेरे फ़ोन हिलना कम हो गया है, बंद हो गया है। तो अगर मैं यहाँ ज़ोर डाल रहा हूँ तो यहाँ पे नहीं हिल रहा। कैमरा बम ज़्यादा है उस वजह से हिलता है। अब हमें क्लीन करना है इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ से। और अब हमें डस्ट रिमूवल स्टिकर्स यूज़ करने हैं। तो आप साइड से देखिए, अगर आपको साइड से कोई डस्ट दिख रही है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं डस्ट हटाने के लिए। तो अगर आपको कहीं निशान दिखता है तो आप इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे ढंग से साफ़ कर लीजिए, क्योंकि एक बार ये बैठ गया फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, डस्ट उसके बीच बैठ जाएगी। तो अब हमें सबसे पहले ये फिक्स करना है। यहाँ पे ऐसे लगा के इन्होंने निशान दिया ताकि हम प्रॉपर लगा सकें। आप देख सकते हैं ऐसे ही लग जाएगा, और आपको यहाँ की अलाइनमेंट चेक करनी है कि यहाँ पे प्रॉपर बैठा है। फिर आपको यहाँ देखना है कि कैमरा प्रॉपर बैठा है, तब ये एग्जैक्ट बैठेगा। अब पार्ट 1 रिमूव करना है ऐसे, और इसको बिठा देना। और अब हम ऊपर भी चेक करेंगे प्रॉपर की बैठा है कि नहीं। हमें अपना स्क्वीजी लेना है, और स्क्वीजी से हमें ये प्रॉपर बिठाना है। अगर आपको लग रहा है नहीं बैठा है, आपको दोबारा उठा के बिठाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार एयर बबल्स रह जाते हैं। अब आपको पार्ट 2 लेना है, आपको ये यूँ उठाना है, और जब आप यूँ करेंगे तो ये ऊपर बैठ जाएगा। सेम प्रोसेस आपको नीचे करना है, पर पहले आपको ये निकाल देना है और फिर ये अलग कर देना है, और अब हमें ये यूँ बिठा देना है। और जब आप ऐसे बिठा देंगे तो आपको पार्ट 2 रिमूव कर देना है। आप देख सकते हैं मेरे में निशान आए हैं, क्योंकि मैंने साइड में नहीं बिठाया था। तो आप ऐसे इससे निशान भी हटा सकते हैं। चाहे तो आप अपनी फिंगर्स का यूज़ कर लीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा बैठता है, और जो नहीं बैठा है उसमें आप थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश कीजिए कि वो बाहर को निकल जाए। तो ठीक है यार, फर्स्ट टाइम के लिए मैंने फर्स्ट टाइम बैठाया, ठीक है। यूज़ करने में मैं एक चीज़ बता दूँ, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, तो स्मूथनेस तो बहुत अच्छी है, नो डाउट। बट हाँ, एप्लीकेशन जितनी ईजी इन्होंने दिखाई है ना, वो है नहीं। एंड में एप्लीकेशन में जो वीडियो है उसमें ये भी बोलता है कि हमें ये साइड्स थोड़ी रगड़नी है अच्छे से 10-15 बारी, ताकि ये प्रॉपर फिट हो जाए, क्योंकि साइड्स इसकी कर्व्ड है तो कई बारी उठ जाता है, तो ग्लू प्रॉपर बैठ जाए, इसलिए आपको यूँ करनी है। तो एक बारी कवर लगा के देख लेते हैं इसके साथ। मेरे पास हार्ड केस तो नहीं है इसके लिए पड़ा हुआ, पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कवर के साथ भी बहुत ढंग से फिट हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको अगर आप कवर भी यूज़ करते हैं तो, क्योंकि ये थोड़े गैप्स छोड़ देता है साइड में फ़ोन में। तो एक बारी एस पेन भी यूज़ करके देख लेते हैं यार, इसमें कैसा चलता है। तो एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, क्लोजअप से दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। पिछली जो मैंने लगाई थी ना स्किन या लैमिनेशन, जो भी आप उसको बोलना चाहो, स्क्रीन गार्ड, वो इतना स्मूथ नहीं था, बट इसमें ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इसमें बहुत स्मूथ ये काम कर रहा है और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही है, बिल्कुल भी ये कहीं भी आपका ज़्यादा रफ नहीं लग रहा है, बहुत ही स्मूथली चल रही है। पर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसकी एप्लीकेशन उतनी ईजी नहीं है जितनी वीडियो में लग रही है यार, क्योंकि ये अभी मैं करने की कोशिश कर रहा था, ये निकल ही नहीं रहा था, बल्कि दूसरा पीस निकल रहा था, तो वो एक इसमें है प्रॉपर से नहीं निकलती। अगर आपने पहले नहीं किया है तो आपको दिक्कत हो सकती है। बट हाँ, वैसे ठीक बैठा है, बट हाँ, 1600 रुपये के लिए बहुत बहुत कॉस्टली है। इससे अच्छा अमेजोन से ना सस्ते वाला ले लेना, कोई क्वालिटी में शायद ऊपर नीचे थोड़ा फर्क हो, बट दिस इज़ नॉट वर्थ 1600 बक्स। आपको इस कचरे पे या कबाड़ बोलूँगा मैं, 1600 रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है, इट इज़ वेस्टेज ऑफ मनी। इट्स बेटर कि आप एक 500 या 1000 रुपये का टेम्पर्ड ले लो, यूवी लाइट वाला आता है। अगर आपको यूवी लाइट वाला लगाना सीखना है तो मैंने S10 और S20 के साथ वो वीडियो किया, वो देख सकते हैं, वो ईजी होता है यार, बहुत टफ नहीं होता, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए उसमें। और ये भी लैमिनेशन अगर आपको ढंग की मिले ना तो ढंग से बैठ जाती है। इनकी है तो अच्छी, बट यार एप्लीकेशन में ना थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हो रही है। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ही लगा रहा हूँ, मैंने पहले भी लगाया, पर इसमें दिक्कत आई मुझे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट, ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू इट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।